Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be fine. Today's lecture is about biodiversity, chapter 3, exercise, and we'll start our questions. The first question is, how does deforestation leads to desertification? कि हमारे पास जो deforestation है, वो desertification कैसे करती है? उसकी तरफ हमें कैसे ले जाती है? तो desertification की अगर meaning की तरफ जाएं, translate define, तो process of formation of deserts. मतलब desertification क्या है? आपके पास सहरा बनने का अमल है. कि कोई आपके पास ज़मीन है, तो वो सहरा में कैसे मुंतकिल होती है? या वहाँ पर सहरा कैसे बनता है? तो उसकी जो वजूहात हैं, वो ये पहली ये है कि उसकी जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होती है वो कम हो जाती है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होती है. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये कब आती हैं? जब हम किसी एरिया में, किसी रीजन में डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब वहाँ पर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं, रिमूवल ऑफ ट्रीज करते हैं, वहाँ पर जंगलात या दरख्तों को ख़त्म कर देते हैं, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर रुनुमा हो जाती हैं, अकर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं ये, और यही तीनों चीज़ें क्या करती हैं, डेजर्टिफिकेशन की तरफ किसी रीजन को ले जाती हैं. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, और इसकी सिंपली डिफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस. हम किसी भी ग्रुप्स को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी पौधों को, जानवरों के ग्रुप को, उनको हम क्या करें, एक ग्रुप में तकसीम करें या उनको छोटे ग्रुप्स में तकसीम करें, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास और उनकी सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस को देखेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन और दर्जाबंदी उर्दू में कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन, हमारे पास क्या होता है? सो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाई विंड्स, फ्लड्स, रेन इज नोन एज सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब जमीन का ऊपरी जो तह होती है उसका कटाव, मतलब जो टैप वो टैप लेयर, टॉप लेयर हमारे पास ऊपर वाली जो तय होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाए. किसके ज़रिए? हवाओं के ज़रिए, फ्लड्स के ज़रिए, सैलाब के ज़रिए, और वाटर या पानी, रेन वगैरह के ज़रिए. नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हमारे पास ये इवॉल्व कहाँ से हुई थी? तो हमारे पास अबाउट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है, कितने हमारे पास? 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ. बट बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई ओनली 1/3. तो बायोलॉजिस्ट ने कितने किए उसमें से? टोटल 1/3 हमारे पास ये डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई, बाकी अभी तक अननोन है हमारे पास. अब जब ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो उन सब डाइवर्सिटीज में क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, दूसरा तीसरे से मुख्तलिफ होगा. किस तरह उनमें जो डिफरेंसेस होती हैं, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उनमें जो एक दूसरे से क्या है तब्दीलियाँ, डिफरेंसेस है, उसकी वजह से क्या होगा, उनमें डाइवर्सिटी इमर्ज हो गई, और इस वजह से डाइवर्सिटी क्या हो गई, इमरजेंस हो गई, हमारे पास डाइवर्सिटी इवॉल्व हो गई. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एब्नॉर्मल नोमेनक्लेचर, इसके हमारे पास फंक्शंस क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन इज दिस सिस्टम ग्रेट वैल्यू वाइड स्प्रेड. ये इसकी ग्रेट वैल्यू इसलिए क्योंकि ये क्या है, हर जगह पर फैला हुआ है. नेक्स्ट समझ में, एवरी ऑर्गेनिज्म हैड इट्स ओन नेम व्हिच इज मोर प्रिसाइज एंड मोर डेफिनाइट. हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का नेम होता है वो क्या होता है, आसान होता है, और क्या होता है, डिफिनाइट, प्रॉपर उसकी वैल्यू डिफाइन किया हुआ होता है, इसलिए हमें आसानी होती है. इट रिक्वायर जस्ट टू पार्ट्स, इसको कितने पार्ट्स चाहिए, दो. जैसे हमारे पास ह्यूमन का है, तो हमारे पास क्या होता है, होमो सैपियंस आ जाता है ना, होमो सैपियंस. तो देखें ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. अब नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. अवॉइड डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, अब इसकी कोई डिफिकल्टीज नहीं है ट्रांसलेशन की, हम इनको ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि जो भी है नेम पूरी दुनिया में यही होमो सैपियन. ऐसा नहीं कि हम इसको डिक्शनरी में, मेरियम वेबस्टर है, दूसरी डिक्शनरीज हैं, उनमें देख कर इसकी मीनिंग करेंगे, ऐसा ट्रांसलेशन का कोई इशू नहीं होता. एज नेम एज ए लेटर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जैसे कि नाम जो है किस लैंग्वेज में दिए जाते हैं, लेटर में, तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है. आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 5 हो गए, 5-6 और रहते हैं, और चलो नेक्स्ट लेक्चर.